हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेटनर केमिस्ट्री क्लासेस। तो जो आइए चलते हैं 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर पे, है ना। तो हमने लास्ट वीडियो में, जो हमारी लास्ट वीडियो है पार्ट 9, उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड फॉर्मूले लिखवाए थे आपको। तो उन फॉर्मूले के बाद हम थोड़ा सा क्या करेंगे, हमें उससे पहले पढ़ना पड़ेगा मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल के बारे में हम उसमें डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूल और एटम के बारे में, ठीक है। इन क्वेश्चन में क्या होता है, जो हमने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे लास्ट वीडियो में, उसमें क्या होगा कि आपको मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में और एटम्स के बारे में, ठीक है। मॉलिक्यूल्स और एटम के बारे में आप जानते हो, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल टू और मोर एटम्स से मिलकर बना हुआ होता है, है ना। और एटम क्या होता है, एक सिंगल एलिमेंट होता है, ठीक है। उसे जो सिंगल एलिमेंट होता है उसे एटम कहते हैं, ठीक है। जो मॉलिक्यूल होता है वो भी एक वेरी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, ना। एटम आर वेरी स्मॉल पार्टिकल आर मेड, है ना। और मॉलिक्यूल भी आपका क्या होता है, वो भी एक स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। यानी एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर, ठीक। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं आगे, यानी मॉलिक्यूल पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होगा, किससे मिलकर बना होता है, एटम्स से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे CO2 हो गया, H2 हो गया, है ना, या एक हाइड्रोजन से मिलकर, और H2 किससे बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसे एक मॉलिक्यूल कहते हैं, CO2 है ना, उसी को आप क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। और H2 हो गया, वो भी एक आपका क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। अभी हम इसे आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले हम थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स डेट हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड, बाय केमिकल बॉन्ड। देखिए हेल्ड टुगेदर का मतलब है केमिकल बॉन्ड, यानी एक दूसरे को केमिकल बॉन्ड से बांधे रखते हैं, ठीक है। क्योंकि टू एटम्स, टू और मोर एटम्स आर मेड अप बाई मॉलिक्यूल, ओके। दीज बॉन्ड्स फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग और एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन ए अमंग एटम्स, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं और एक दूसरे को केमिकल बॉन्ड से बांधे रखते हैं, ठीक है। दीज बॉन्ड्स आर रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग, जो शेयरिंग और एक्सचेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन एटम से, ठीक है। एक दूसरे के एटम से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करते हैं, उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स, डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों डिफरेंस बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल में क्या होता है कि जो एटम्स होता है, एटम की डेफिनेशन भी सेम वही है, बट थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसमें, ठीक है। दो तीन वर्ड का आपका चेंज हो जाता है, लेकिन हम एटम को देख रहे हैं, पहले किसको देख रहे हैं, एटम को देख रहे हैं। तो बच्चों देखो एटम की डेफिनेशन क्या होती है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी फ्री एग्जिस्टेंस, है ना, विच मे और मे नॉट बी फ्री एग्जिस्टेंस, ठीक है। वाई, जबकि जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव फ्री एग्जिस्टेंस, मॉलिक्यूल ऑलवेज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। तो एटम भी एक स्मॉल पार्टिकल है ऑफ एन एलिमेंट का, और मॉलिक्यूल भी एक स्मॉल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट का। वो क्या नहीं कर सकता, वो फ्री एग्जिस्टेंस नहीं कर सकता, और ये आपका फ्री एग्जिस्टेंस कर सकता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ऑलवेज फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, जो मॉलिक्यूल होता है वो किस फॉर्म में होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम की फॉर्म में होता है, ठीक है। यानी एटम से मिलकर के बनता है मॉलिक्यूल। अब ये आपका स्टेटमेंट है, मॉलिक्यूल इक्वल टू अरेंज एग्रीगेशंस, और क्या कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम कह सकते हैं। तो ये थी हमारी डेफिनेशन एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस। आपसे कोई पूछता है तो ये आप बता सकते हो इस एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, और मॉलिक्यूल, ठीक है, ये होता है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका मॉलिक्यूल और एटम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस। अब आगे चलते हैं, इसी के आगे पार्ट है इसका, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी। देखिए मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, है ना, वो हम नेक्स्ट अभी करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले अभी नोट कर लीजिए, चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं आगे। यानी हमने मॉलिक्यूल और एटम्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, अब मॉलिक्यूल से मिलकर के बनती है एक मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। यानी मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर इसको ध्यान से समझिए, व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी, द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, ध्यान सुनिए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स
प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज इट्स मॉलिक्युलरिटी। जितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ एटम एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे वही उसकी क्या कहलाएगी, मॉलिक्युलरिटी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट CO2, ठीक है बच्चों, CO2 में हम मॉलिक्युलरिटी देखेंगे। देखिए CO2 में वन कार्बन एटम प्लस टू ऑक्सीजन एटम, ठीक है, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, ये आपका आ जाएगा यहां पे थ्री एटम, कितने आ गया थ्री एटम। तो यहां पे कितना हो गया, एक तो कार्बन एटम है और दो किसके ऑक्सीजन के, कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, थ्री हो गए। तो यहां पे कितनी आ जाएगी मॉलिक्युलरिटी, यहां पे लिखेंगे आप मॉलिक्युलरिटी, मॉलिक्युलरिटी ऑफ CO2 इक्वल टू थ्री एटम्स, ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका किसका आ गया CO2 की मॉलिक्युलरिटी आ गई। अब देखिए सेकंड थर्ड एग्जांपल देखते हैं, सॉरी सेकंड एग्जांपल देखते हैं, यानी H2O, H2O में देख लेते हैं, H2O में क्या आ गई मॉलिक्युलरिटी, यानी मॉलिक्युलरिटी, मॉलिक्युलरिटी ऑफ H2O इक्वल टू, यहां पे कितना आएगा आपका देखिए, यानी टू आपका आएगा टू हाइड्रोजन एटम, टू हाइड्रोजन एटम प्लस वन ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो यहां पर आ गया आपका टू टू ऑक्सीजन के एटम हो गए, हाइड्रोजन के एटम हो गए और ये किसका हो गया हाइड्रोजन का, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो गया आपका यहां पर थ्री एटम, ठीक है। तो ये आपकी मॉलिक्युलरिटी कितनी आ गई वाटर की, थ्री एटम आ गई, ठीक है, ये आ गई आपकी कितनी आ गई थ्री एटम। H2O की मॉलिक्युलरिटी यहां पे लिख देंगे आप इस तरीके से, मॉलिक्युलरिटी, मॉलिक्युलरिटी ऑफ H2O इक्वल टू थ्री एटम्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्युलरिटी निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो आगे कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं ये मॉलिक्युलरिटी रिलेटेड, ठीक है, मॉलिक्युलर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। कैलकुलेट द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों, ये मोर शॉर्ट होता है, इसका मोर शॉर्ट कॉमन नेम होता है, ठीक है, FeSO4.NH3 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। तो बच्चों इसकी आपकी मॉलिक्युलरिटी निकालनी है आपको कि कैसे होगी, ठीक है, फिर KMnO4 की बतानी है, फिर पोटास एलम की बतानी है, K2SO4 L2SO4 होल 24H2O, ठीक है, C12H22O11, ठीक है, ये को ले लेता हूँ मैं यहाँ पे पांच बार, C6H12O6, ठीक है, इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, ठीक है। इसमें आप देखिए वन ये हो गया प्लस एक यहाँ हो गया, फोर एटम ऑक्सीजन के हो गए हैं, ठीक है, टू वन जो टू, यानी ये जो आपका यहाँ पर दिख रहा है मल्टीप्लाई ओवर टू प्लस के टू ये हो गए, और थ्री टू जा सिक्स ये हो गए हाइड्रोजन के, प्लस वन हो गया सल्फर। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कितना था, ये चार हो गया है ना, ओ ऑक्सीजन की फोर आइटम है, ये कितना होगा सिक्स टू जा ट्वेल्व और प्लस से कितना होगा सिक्स वन जा सिक्स, ठीक है। अब इनको ऐड कर देना तो टोटल नंबर ऑफ क्या क्या आ जाएगी आपकी, मॉलिक्युलरिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी आपकी मॉलिक्युलरिटी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से KMnO4 है, वन टू ये हो गया वन, ये हो गया वन आइटम हो गया इसका, और कितना हो गया फोर हो गए, कितने हो गए मिलकर के, ये आ जाएंगे इसका आपका फोर फाइव सिक्स आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी भी निकाल लोगे, ठीक है, और आप इसकी भी निकाल लोगे, इसी कितनी आ जाएगी बच्चों, ऐड कर लेना 12 + 22 + 11, ठीक है, ये आपकी C6H12O6 है, इसकी भी ऐड कर लेना 6 + 12 + 6, ठीक है, तो इसके भी आप ऐड कर लोगे। तो ये हमारे पास थी मॉलिक्युलरिटी, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, जो हमारे पास मॉलिक्युलरिटी के बाद डिस्कस करते हैं आगे, नोट करिए, तो बच्चों हम मॉलिक्युलरिटी डिस्कस कर लिए, अब हम आगे चलते हैं, है ना।
अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, है ना। मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ मैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या होगा कि हम अलग अलग टाइप्स के मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पर शो करके दिखाएंगे। सबसे पहला आता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है बच्चों, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है, जिस तरीके से आप एटम दिखाते हो उसी तरीके से आपका क्या होगा, एक सिंगल, यानी मोनो एटॉमिक का मतलब एक हो गया, है ना। डायटॉमिक का मतलब दो हो गया, ट्राईटॉमिक का मतलब तीन हो गया, टेट्रा का मतलब चार हो गया, पेंटा का मतलब पांच हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ डिस्कस करेंगे एक एक वाइज, ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों। तो देखिए मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में हम क्या है, इट कंटेन्स ओनली वन एटम, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारे पास आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑल इनर्ट गैसेस, ऑल इनर्ट गैसेस आ जाएंगी, ठीक है। जैसे कि आपकी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, ठीक है, ईटीसी, ठीक। आगे आपके पास नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, क्लोरीन है, ठीक है, ईटीसी। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आपके मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपके मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब चलते हैं आगे, दूसरा लेते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, ठीक है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में लिखेंगे हम which contains two atoms, तो two atoms में हम डिवाइड कर रहे हैं two parts में, बच्चों हम डिवाइड कर रहे हैं two parts में, ठीक है। two atoms यानी diatomic molecules है, तो which contains two atoms, बीच कंटेन कितने करेंगे, टू एटम्स हो गए। तो आप क्या कहा गया है, इसको डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहा गया है, क्या कहा गया है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहा गया है। तो बीच कंटेन्स टू एटम्स, तो टू एटम्स का मतलब ये इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, किसमें करेंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो होगा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दूसरा होगा हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है बच्चों, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। तो बच्चों देखो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि आप लोग होमो एटॉमिक्स में लाइक H2O2 N2, ठीक है, Cl2 etc. तो ये आपके क्या होंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो खुद से बने हुए होंगे, ठीक है, खुद के एटम से मिलकर बने हुए होंगे। अब आते हैं आपके हेटरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, इसमें दो एटम होने चाहिए, ठीक है। देखिए लाइक आपका जैसे HCl, NaCl, सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हैं
KCL, ठीक है, और आपका हो सकता है CO, ठीक है, आपका और हो सकता है CO के बाद और कौन सा हो सकता है आपका MO, MGO, MGO, UTC, ठीक है, काफी सारे हो सकते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पे, किस पे, ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे आता है हमारे पास ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इसमें लिखेंगे हम विच कंटेन्स only three atoms, which contains only आएगा three atoms। तो बच्चों देखिए इसमें क्या होगा, three atoms को हम divide कर रहे हैं two parts में, ये कर रहे हैं homo atomic molecules, दूसरा आपका हेटरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हमारे पास सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल आएगा, क्या आएगा, एक ही मॉलिक्यूल आएगा, वो आएगा ओजोन O3, क्या आएगा, ओजोन O3, ठीक है, O3, लाइक जैसे O3, क्योंकि ट्राईएटॉमिक कितने होने चाहिए, थ्री होने चाहिए, कितने होने चाहिए, ठीक है बच्चों, ट्राईएटॉमिक कितने होने चाहिए, थ्री होने चाहिए। अब आता है नेक्स्ट लाइक, अब इसमें तीन आने चाहिए, तो देखिए जैसे पहला आ गया आपका CaCl2 H2O CO2, ठीक है, MgCl2, ठीक है, काफी सारे आ सकते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया, ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल, क्या हो गया आपका, ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया है। अब आता है टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम देखेंगे विच कंटेन्स which contains only four atoms, ठीक है, तो हम four atoms को divide कर रहे हैं two parts में, है ना, तो आप समझ गए होंगे इसमें लिखेंगे homo atomic और लिखेंगे hetero atomic, ठीक है। इसमें एक ही होता है, कौन सा, P4, ठीक है, फास्फोरस, ठीक है, टेट्रा फास्फोरस हो गया। उसके बाद इसमें तो ओनली वन ही होगा, ठीक है, इसमें आते हैं, इसमें देखिए कितने होंगे, अब देखिए आप इसमें कितने हो सकते हैं, ठीक है, देखिए जैसे हो गया आपके पास है NaOH लाइक, है ना, एक मॉलिक्यूल है उस तरीके से, ठीक है। आगे PCl3, ठीक है, चार हो गए हैं, NH3, ठीक है, यहाँ भी चार हो गए हैं आपके, ठीक है। आगे आता है यहाँ पर ले लेते हैं, चलो PCl3 हो गया है, NH3 हो गया है, और आपका और कौन सा रह गया है यहाँ पर, ठीक है, चलिए ले लेते हैं PS3 ETC, ठीक है। तो ये आपके क्या होंगे, ये आपके होंगे टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे, क्या होंगे, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये आप नोट कर लीजिए पहले,
ठीक है। तो बच्चों ये आपने नोट कर लिया होगा, तो अब आते हैं, देखिए फोर हमारे पास हो चुके हैं, अब आते हैं नेक्स्ट पे पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखिए इसमें लिखेंगे डेफिनेशन लिखेंगे हम, वो लिखेंगे विच कंटेन्स मोर देन एटम्स, विच कंटेन्स मोर देन एटम्स, ठीक है। सबसे पहला आ जाता है इसमें ऑक्टा एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आ जाता है आपका एस एट, ठीक है बच्चों, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल में आ जाता है आपका एस एट। तो ये तो थे हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी और मॉलिक्यूल्स के कुछ टाइप थे आपके पास, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको बता दिया मॉलिक्यूल्स किसने कितने तरीके के होते हैं, अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। ये एटॉमिक एस एट आता है ओनली इसमें, ठीक है बच्चों। तो मॉलिक्यूल्स के बारे में आप जान चुके हो, मॉलिक्यूलरिटी के बारे में आप जान चुके हो, अब हम सीधे बढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास की तरफ, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास की तरफ चलेंगे, ठीक है। आप ये नोट कर लीजिए, तो चलिए बच्चों मॉलिक्यूलर मास पे स्टार्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास है हमारे पास, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास में देखिए बच्चों, तो मॉलिक्यूलर मास आप लोग जानते हो क्या होता है, ठीक है। तो इससे पहले पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं H2 कितना होगा, इसका कितना होगा बच्चों, 2 × 1 कितना हो गया आपका, 2 हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर H2O कितना हो जाएगा बच्चों, 2 × कितने हाइड्रोजन के आइटम है, 1, और प्लस एक्सीजन कितना होता है, 16, कितना हो गया बच्चों यहाँ पर, 18, ठीक है बच्चों, क्या हो गया यहाँ पर, 18 हो गया है, ठीक है। बच्चों ये इसकी जो आपकी यूनिट लिखनी है वो AMU लिखना, AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट लिखना, ठीक है। थर्ड आ जाता है आपका मान लीजिए NH3, इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 14 होता है आपका नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन कितना, 3 × 1, तो यहाँ पर कितना हो गया, 14 यानी 17, AMU, ठीक है, AMU। और थर्ड आ जाता है आपका यहाँ पर आते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं कोई और दूसरा लेते हैं आपका, जैसे O3 ओजोन, तो 3 × 16 तो कितना हो जाएगा, 48 AMU, कितना हो जाएगा, 48 AMU हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है, फोर्थ मान लीजिए हमारे पास आ गया है HCl, तो कितना होगा, 1 + 35.5 ये आएगा 36.5, ठीक देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है आपका NaCl, तो कितना हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास, कितना हो जाएगा बच्चों, ये आप AMU लिखते रहना, ठीक है। तो NaCl कितना हो जाएगा, 23 + 35.5, तो ये हो जाएगा आपका 58.5 AMU, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका मान लीजिए ये आपका यूरिया NH3 का होल ट्वाइस, NH2 का होल ट्वाइस CO, तो इसका होता है 60, ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास का याद रखना 60 होता है, ठीक है, 6, ठीक है। देखिए बच्चों मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास यहाँ पर हम निकाल रहे हैं मॉलिक्यूलर मास, अभी हम फॉर्मूला मास भी निकालेंगे और मोलर मास भी निकालेंगे, ठीक है, वो आगे बताएंगे, ठीक है। अभी हम चल रहे हैं किस पर, मोलर मास पर, तो AMU, ठीक है। अब आता है CaCO3, कितना आ गया, CaCO3 आ गया। अब कैल्शियम कितना होता है, 40, कार्बन का कितना होता है अभी, 12,
ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 40 + 12 + 48, ये कितना हो जाएगा 0 8 900, ठीक है, क्या जाएगा 100 AMU, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आप मोलर मास फाइंड करना सीख गए हो, या आप मोलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप मोलर मास इस तरीके से निकालना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा और क्वेश्चन करा देता हूँ इसी के मोलर मास के, ठीक है, तो वो आप लोग करोगे, ठीक, वो आप लोग करोगे, ओके। तो अब तक कर रहा हूँ यहाँ पे रफ, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो देखिए कैलकुलेट क्वेश्चन है यहाँ पे, कैलकुलेट कैलकुलेट द मोलर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। पहला आ रहा है Na2SO4, ठीक है, दूसरा है K2SO4Al2SO4 का होल राइज और 24H2, इसको भी आपको फाइंड करना है। फोर्थ है आपका C6H12O6, थर्ड है ये आपका फोर्थ है C12H22O11, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ये आपका है फिफ्थ, आप फाइंड करोगे COH का होल ट्वाइस, सिक्स आप फाइंड करोगे NaHSO4 और आगे करोगे NaHCO3 का, ठीक है बच्चों। तो ये आपको क्या कर रहे हैं, ये आपको मोलर मास फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, मोलर मास फाइंड करोगे आप, ठीक है, ये आपके लिए, ठीक है, ओके। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम अभी।